अचानक से क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा करने वाले भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने आखिरकार इसकी वजह बता दी। भारत के दिग्गज खिलाड़ी गंभीर ने अपने संन्यास की वजह राष्ट्रीय टीम में जगह ना मिलना बताया। गंभीर ने कहा कि आप चाहे कितने भी रन स्कोर कर लें, लेकिन जब टीम में जगह ना मिले तो इसका कोई तुक नहीं बनता। गंभीर ने अपना आखिरी रणजी मैच दिल्ली के लिए खेला, जिसमें उन्होंने शानदार शतक लगाया। वहीं भारतीय टीम के लिए आखिरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेस्ट मैच साल 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, तो वहीं 2013 में आखिर बार इंग्लैंड के ही खिलाफ वनडे मैच खेला था। गंभीर बताते हैं कि जब तक उन्हें उम्मीद थी कि वो नेशनल टीम में वापसी कर सकते हैं तो वो मैच खेलते रहे थे, लेकिन जब उम्मीद खत्म हो गई तो उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। गंभीर ने आगे ये भी कहा कि काश मैं 27 का होता, 37 का नहीं, लेकिन अब मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। गंभीर आगे ये भी बताते हैं कि जब आप रन बनाते हैं और वो रन आपको आगे नहीं ले जाते हैं तो वो रन किसी काम का नहीं होता। अगर मेरी जगह कोई युवा खिलाड़ी रन बनाए और टीम इंडिया के लिए खेलने का सपना पूरा करे, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। गंभीर ने कहा कि मैं हमेशा सोचता था कि मैं रन स्कोर करूंगा तो नेशनल टीम में स्थान मिल जाएगा, लेकिन जब मुझे लगा कि इस प्रयास का कोई मतलब नहीं है तो मैंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट।